दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ लाइकोपोडियम। दोस्तों, हर स्टूडेंट जो भी मटेरिया मेडिका पढ़ता है, सब को ये लगता है कि किसी दवाई में कोई ऐसी चीज हमको मिल जाए जिसको जानकर हम पूरी दवाई को मेमोराइज कर लें। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो लाइकोपोडियम पढ़ाने वाला हूं, उसमें मैं आपको कोई ऐसी चीज बताने वाला हूं जिससे आप पूरी मेडिसिन को बहुत अच्छी तरह समझ भी सकते हैं और मेमोराइज भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आप पूरा देखिए जिससे आपको लाइकोपोडियम पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ लाइकोपोडियम। अगर आपने दो चीजें लाइकोपोडियम में अच्छी तरीके से समझ ली तो आप पूरी रेमेडी को इन दो चीजों से समझ सकते हैं या पूरी रेमेडी को दो चीजों से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइकोपोडियम में पाया जाने वाला हर सिम्टम के पीछे ये दो ही चीजें होती हैं। अब ये दो चीजें क्या हैं? देखिए, पहला जो थीम है इसकी वो है कॉवर्डनेस। कॉवर्डिस पेशेंट क्यों होता है लाइकोपोडियम का, अभी हम बात करेंगे। एक तो कॉवर्डनेस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मरीज डरपोक होता है और उसको किसी भी काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो यहां तक तो ठीक है, अगर कोई आदमी डरपोक है या उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो क्या करेगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा, घर में बैठ जाएगा, किसी भी नए काम को नहीं लेगा। लेकिन प्रॉब्लम लाइकोपोडियम के साथ एक और भी है, कॉवर्डनेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो एक एम्बिशियस पर्सनालिटी भी है। अब मैं इन तीनों को अगर जोड़ूं तो कोई बंदा जो कि डरपोक भी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है और साथ साथ में वो ये भी चाहता है कि वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल पर्सनालिटी बने, फिर वो चाहे शरीर की बात हो, फिर वो चाहे किसी प्रोफेशन की बात हो, चाहे किसी भी समाज में किसी भी स्तर पर वो बड़ा बनना चाहता है, वो अच्छी तरीके से मनी कमाना चाहता है। तो लाइकोपोडियम का प्रॉब्लम क्या है कि एक साइड में वो डरपोक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और दूसरी साइड में वो एम्बिशियस भी है। अगर वो एम्बिशियस ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कॉवर्डनेस को लेकर घर में बैठ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपके मन में यह भी लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगी और एफर्ट करने के लिए लाइकोपोडियम के पास में कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइकोपोडियम के में हिम्मत नहीं है। अब यह हिम्मत क्यों नहीं है, इसके पीछे भी यह कहानी है। लाइकोपोडियम फैमिली का वो बच्चा है जिसका फादर बहुत सक्सेसफुल इंसान है। जैसे अगर मैं एक समझाने के लिए एक पर्सनालिटी को ले लूं तो आपको यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आप सभी जानते हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन चूंकि एक सुपरस्टार है और उसका लड़का अभिषेक बच्चन वो भी फिल्म इंडस्ट्रीज में ही है जैसा कि आप जानते हैं, तो जब उसने फिल्म इंडस्ट्रीज में एंटर किया होगा तो उसके ऊपर एक दबाव होगा, क्या कि मुझे मेरे फादर की तरह सक्सेसफुल बनना है। या जब कोई इंसान किसी ऐसे घर में पैदा होता है जहां उसके जो फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, जो बहुत बड़ी बड़े कारनामे किए हुए होते हैं, तो हमेशा उसको एग्जाम्पल दिया जाता है कि देखो तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया तुमको भी करना है, देखो तुम्हारे दादाजी ने ऐसा किया तुमको भी करना है। तो उसको बचपन से एक फीलिंग अंदर आने लगती है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, यार मैं तो वीक हूं, मेरे फादर ने इतना अच्छा काम कर लिया, मेरे ग्रैंडफादर ने अच्छा इतना अच्छा काम कर लिया, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो वो जो उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है अपने बचपन से, वो क्वेश्चन मार्क उसका उसके जवानी में भी उसके अंदर रहता है और अपने प्रोफेशन में भी अंदर रहता है। इसलिए वो पेशेंट कॉवर्डिस होता है और
लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होता है, हालांकि उसमें एम्बिशियसनेस भी रहती है। अब जहां तक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर का सवाल है दोस्तों, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉवर्डिसनेस लाइकोपोडियम में इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसका जो प्लांट होता है वो बहुत शॉर्ट हाइटेड रहता है। अगर आप इसके प्लांट को देखें जिसको अपन क्लब मॉस कहते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि ये प्लांट बहुत ही छोटा और शॉर्ट हाइटेड प्लांट होता है, लेकिन इसके जो फ्रूट होते हैं वो बहुत लंबे लंबे जा रहे हैं। तो आप क्या देखते हो, प्लांट तो छोटा है लेकिन फ्रूट लंबे लंबे जा रहे हैं एकदम स्ट्रेट। इट मींस पर्सन इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंट, पर्सन इज कॉवर्डिस बट हैव एम्बिशियसनेस, मतलब उसको ऊपर जाना है। तो आप अगर इसके प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी समझ में आ जाएगी कि ये क्यों लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होता है, क्यों डरपोक होता है और क्यों एम्बिशियसनेस होता है। क्योंकि ये प्लांट शॉर्ट हाइटेड है और इसके फ्रूट लंबे लंबे हैं, इसलिए एक तरफ इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और दूसरी तरफ इसमें एम्बिशियसनेस है। यह है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर। आप लाइकोपोडियम का कोई भी एस्पेक्ट उठा के देख लीजिए, मेंटल एस्पेक्ट पे अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, वो कोई भी नई चीज लेने में डरता है। अगर आप मटेरिया मेडिका पढ़ के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जिस काम को ऑलरेडी कर रहा है उसमें तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नए काम में उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, नए रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस नहीं आता, स्टेज परफॉर्मेंस में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि उसको अपने ही एबिलिटी पर शक होता है। उसको ये लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, ये उसके मानसिक लेवल पर भी है और फिजिकल लेवल पर भी है कि मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहां पर जो लाइकोपोडियम का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि अपनी इस मेंटल और फिजिकल वीकनेस को वो हमेशा हाइड करके रखेगा, कभी आपको ये रिवील नहीं होने देगा कि वो अपने मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर है। इसलिए अगर आप लाइकोपोडियम पर्सनालिटी को क्लिनिक पर आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अगर आप लाइकोपोडियम पेशेंट से पूछेंगे आप डरते हैं तो वो कभी नहीं कहेगा डरते हैं, वो हमेशा आपको ये शो करेगा कि वो बहुत हिम्मत वाला इंसान है, उसको कभी कोई डर नहीं लगता, बहुत ताकतवर इंसान है। इसलिए ऐसे लोग अपनी एक्सरसाइज बहुत करते हैं। आप देखिए, मैं ज्यादातर अगर कोई मरीज मुझसे ये बोलता है कि सर मैं बहुत वीक हूं, मुझे टॉनिक लिख दीजिए कोई, जबकि वो बॉडी से फिट लग रहा है मुझको, तो ये मैं इसको एक लाइकोपोडियम का करेक्टर मानता हूं। लाइकोपोडियम को देखिए आप, ड्रीम्स कैसे आते हैं, लाइकोपोडियम को हमेशा हवा में उड़ने के ड्रीम्स आते हैं। उसके पीछे भी कारण क्या है कि वो ऊंचाइयों पर जाना चाहता है। उसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर मैं छोटा रह गया, अगर मैं निम्न स्तर पर रह गया तो लोग मुझे दबा लेंगे, इसलिए मुझे बड़ा बनना है। लेकिन उस बड़ा बनने के लिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को, कॉवर्डिसनेस को वो दिखाता नहीं है, हमेशा हाइड करता है। इस बात का विशेष ख्याल रखना, लाइकोपोडियम आपको अपनी चाल से, बात करने से कभी ये नहीं कहेगा कि उसके अंदर कोई कमी है, इस बात को विशेष ख्याल रखिए। क्यों? क्योंकि एक साइकोटिक रेमेडी है और साइकोटिक रेमेडीज हमेशा अपनी फीलिंग्स को हाइड करती हैं, प्रिजर्व करती हैं, शो नहीं करती। हालांकि वो बातों में एक्सट्रोवर्टेड लगेगा आपको कि हर चीजें बता देता है, लेकिन बहुत सी चीजें उसने हाइड करी हुई होती हैं। जब आप देखते हैं कि जब कोई क्लिनिक पर बड़े बड़े बोर्ड लगा देता है और ये कहता है कि मैंने ये मरीज ठीक कर दिया, मेरे यहाँ इन इन चीजों का इलाज होता है, तो समझ लीजिए वो डॉक्टर भी लाइकोपोडियम हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करके आपको ये बताना चाहता है कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं, जबकि जो बेसिक सही मायने में इंटेलिजेंट होगा उसको कभी ऐड करने की जरूरत नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है, वो अपने काम से एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट करने वाले जो लोग होते हैं वो ज्यादातर साइकोटिक पर्सनालिटी होते हैं और लाइकोपोडियम पर्सनालिटी होते हैं। तो एक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर आपने तीन फीचर, मैं कहूंगा दो फीचर अगर ढंग से समझ लिए, कॉवर्डिसनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ एम्बिशियसनेस, अगर ये तीन बातें आपने लाइकोपोडियम के बारे में जान ली तो आप पूरी मेडिसिन आपको याद हो जाएगी, सारे सिम्टम याद हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं दूसरे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाइकोपोडियम का जो फ्रूट होता है
उससे एक पाउडर बनाया जाता है और इस पाउडर में सल्फर होता है। ज्यादातर इस पाउडर का इस्तेमाल हम पटाखे बनाने में करते हैं, दिवाली पे जो हम पटाखे चलाते हैं उनमें वो पाउडर होता है। इसके अलावा जब हम कोई थिएटर करते हैं या कोई सीरियल नाटक वगैरह करते हैं तो उसमें जो आग जला के दिखाई जाती है, लाइट दिखाई जाती है, स्पार्किंग दिखाई जाती है, वो भी उसी पाउडर से होती है। इसका मतलब लाइकोपोडियम का एक करेक्टर क्या है, स्पार्किंग इन द लाइफ। अगर आप देखेंगे तो उसकी कोई भी चीज थोड़े से टाइम के लिए रहती है। जैसे पटाखा कैसा रहता है, आपने आग लगाया एकदम चला, प्रकाश किया, तुरंत बुझ गया। तो आप लाइकोपोडियम में क्या करेक्टर देखते हैं कि उसको बहुत तेज भूख लगेगी लेकिन थोड़ा सा भी खाएगा संतुष्ट हो जाएगा। ग्रेट हंगर विद इजी सेटाइटी फीलिंग, उसको बहुत जल्दी पेट भर जाता है उसका, जबकि भूख बहुत तेज लगती है। तो इट लुक लाइक एन स्पार्क, एक लाइट की लाइटनिंग स्पार्क की तरह आता है, जैसे उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत होती है लेकिन परफॉर्मेंस में प्री मैच्योर इजेकुलेशन हो जाता है, मतलब एकदम कोई चीज आई एकदम चली गई। ये लाइकोपोडियम का एक करेक्टर कहां से आया है, जो उसके फ्रूट से पाउडर बनता है उसका ये करेक्टर है कि वो जितनी जल्दी स्पार्क करता है उतनी जल्दी बुझ भी जाता है। इसके अलावा लाइकोपोडियम का जो पाउडर होता है वो हाथों में ड्राइनेस के लिए लगाया जाता है। आप जो टेलकम पाउडर यूज करते हैं, जैसे आप एक्जिला पर जहां हमको बहुत पसीना आता है या बॉडी के वो सारे फोल्ड्स जहां पर पसीना आता है, हम वहां पर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, काय के लिए कि वहां पर सूखापन बना रहे। तो लाइकोपोडियम का जो पाउडर होता है वो स्किन को सूखा करता है। इसका करेक्टर आपको मेडिसिन में क्या दिखता है, इसका करेक्टर आपको मेडिसिन में ये दिखता है कि आप देखिए उसकी म्यूकोजा ड्राई होती है, उसकी स्किन ड्राई होती है, ठीक है, उसको बंद कमरा कभी पसंद नहीं होता, उसको खुले में अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि उसको पसीना कम आता है तो अंदर की जो हीट है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाती। तो आप समझ सकते हैं कि लाइकोपोडियम के ड्राइनेस की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन होता है, म्यूकोजा की ड्राइनेस की वजह से, और स्किन की ड्राइनेस की वजह से उसको पसीना कम आता है, इसलिए बॉडी की हीट बाहर नहीं आ पाती, इसलिए लाइकोपोडियम वार्मथ में एग्रावेट होता है, क्लोज एनवायरमेंट में एग्रावेट होता है और उसको ओपन एयर पसंद होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा ये डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ लाइकोपोडियम पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, गुड बाय।